इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो करेंसी का रेट अप एंड डाउन जा रहा है, क्या इस वक्त आपको अलकबीर ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन फ्यूचर का ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है या फिर नहीं? आइए इन सवाल के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अलमास नूर फ्रॉम स्काई रियल्टर्स। और जैसा कि आप जानते हैं, स्काई रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से लाहौर के डिफरेंट काफी अमेजिंग प्रोजेक्ट के हवाले से डेली बेसिस पे आपके साथ अपडेट्स शेयर की जाती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी विश के अकॉर्डिंग। तो आज अलकबीर ऑर्चर्ड के हवाले से कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ जिनका मेरे क्लाइंट्स को काफ़ी इंतज़ार था। कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन चल रही है, इस वक्त मार्केट काफ़ी डाउन जा रही है, तो हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो उनको मैं बताती चलूँ कि जब मार्केट डाउन होती है, जब जो है करेंसी का रेट आपका इस वक्त डाउन चल रहा है, तो यही बेस्ट टाइम है बाइंग के लिए, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो अपना प्लॉट बाय करने के लिए। क्योंकि इस वक्त एक चीज़ आपको कम दामों में मिल रही है जो कि आने वाले 1 से 2 साल में बिल्कुल भी आपको इस बजट में नहीं अवेलेबल होगी, वो भी ऐसी आउटक्लास लोकेशन के ऊपर। अलकबीर के हवाले से काफ़ी सारे लोग वाकिफ़ हैं कि किनका प्रोजेक्ट है, एक ब्रांडेड नेम बन चुका है लाहौर की सोसाइटीज़ में से, क्योंकि ऑलरेडी अलकबीर डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से डिलीवर किए हैं, टाइमली डिलीवर किए हैं, जो टाइम टेन्योर वो देते हैं उससे पहले ही अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं। लेकिन अलकबीर ऑर्चर्ड के हवाले से क्लाइंट्स का ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट हमें टाइम पर डिलीवर नहीं किया जा रहा, काफ़ी इसमें ज़्यादा हमें डिले देखने को मिल रहा है। तो देखें, कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया जाता है, सबसे पहले उसकी डेवलपर हिस्ट्री चेक की जाती है। डेवलपर हिस्ट्री तो इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब इस वक्त अगर डेवलपमेंट इसकी थोड़ी स्लो भी है तो उसके पीछे भी कुछ मुल्की हालात को पेश नज़र रखा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर ये आपकी इन्वेस्टमेंट को डबो देगा। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर आपको रेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर की कोई भी दूसरी सोसाइटी आपको इस वक्त ये रेट्स ऑफर कर रही है। कोई सैलरीड पर्सन है या फिर कोई दिहाड़ीदार अगर बंदा है, वो भी इसको ईजिली अफोर्ड कर सकता है। सिर्फ 8,500 कि महाना किस्त में आप 3 मरला का प्लॉट बाय कर सकते हैं, और अगर 5 मरला की बात की जाए तो 15,000 की मिनिमम महाना किस्त के साथ आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ के हर तबके को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है। आप बिल्कुल यहाँ पर अपना घर बना सकते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना होगा इस हवाले से कि बिल्कुल भी ये कोई स्कैम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, बल्कि ये विद इन 1 ईयर प्रोजेक्ट आपको डिलीवरी की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपका ये डर दूर हो जाना चाहिए कि अलकबीर ऑर्चर्ड में इस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आने वाले 1 से 2 सालों में ये काफ़ी रेट्स आपको अप की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। अलकबीर के हवाले से मज़ीद कोई क्वेश्चन हो या फिर लाहौर किसी भी सोसाइटी के हवाले से कोई क्यूरी हो, कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इसके हवाले से। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे ट्यून्ड टिल दैट टाइम। अल्लाह हाफिज़।